राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शुक्र प्रधान राशि तुला के बारे में और लग्न के बारे में। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मार्च के महीने में आपकी कौन सी शुभ तारीख रहेगी और कौन सी अशुभ, और क्या खास उपाय करें जिससे कि ये महीना आपके लिए उत्तम फलदायी हो जाए। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको ज्योतिष और धर्म की सही जानकारी प्राप्त हो सके। बंधुओं, यदि तुला राशि और लग्न वालों की ग्रहों की स्थिति इस महीने देखी जाए तो ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से होगी। शनिदेव पंचम भाव में कुंभ राशि में स्वयं की राशि में पूरे महीने गोचर करेंगे। 17 मार्च को ये अपनी ही राशि में पंचम भाव में उदय हो जाएंगे। यदि शुक्र की बात की जाए तो 7 मार्च को शुक्र यहाँ पर प्रवेश करेंगे। मंगल यहाँ पर 15 मार्च को प्रवेश करेंगे पंचम भाव कुंभ राशि में। बुध की बात की जाए तो 7 मार्च को बुध देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। वहीं सूर्य 14 मार्च को संक्रमण करके देवगुरु बृहस्पति की राशि में आएंगे। राहु यहां पर पूरे महीने ही देवगुरु बृहस्पति की राशि में संचरण करेंगे। केतु आपके द्वादश भाव में कन्या राशि में पूरे महीने संचरण करेंगे। तो इस तरह से इस महीने तुला राशि और लग्न वालों के ग्रहों की स्थिति होगी। अब प्रत्येक भाव के अनुसार हम राशिफल की चर्चा करते हैं। सबसे पहले तुला राशि का प्रथम भाव देखते हैं। प्रथम भाव आपके आत्मविश्वास, व्यक्तित्व, मान सम्मान का भाव है। इस महीने आपके आत्मविश्वास और आपके व्यक्तित्व में वृद्धि होगी, ये देखने लायक होगी। आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आप इस महीने दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक चेतावनी देंगे कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही दूसरों की मदद करें। पिछले महीने जो काम आपके रुके हुए थे, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो या व्यापार से, तो इस महीने वो रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। इस महीने आप जो भी निर्णय लेंगे तो बहुत आत्मविश्वास के साथ लेंगे, इसलिए आपके सारे निर्णय सही साबित होंगे। नौकरी में आपको इस महीने सफलताएं प्राप्त होंगी, व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन जिस तरह से इस महीने आपकी आय होगी तो उसी तरह आपके खर्चे भी सामने आ सकते हैं, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रख करके इस महीने चलें तो तुला राशि और लग्न वालों का ये महीना बेहद उत्तम होने वाला है। बंधुओं, बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव के अधिपति मंगलदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है और परिवार का भाव है। इस महीने आपका धनागमन बहुत अच्छा बना रहेगा। वहीं आपकी वाणी की मधुरता से आप अपने काम बना लेंगे, चाहे नौकरी हो या व्यापार स्थान। इस महीने तुला राशि और लग्न वालों को परिवार का भी सहयोग प्राप्त होगा। बंधुओं, बात करते हैं तृतीय भाव की। ये पराक्रम का भाव है, छोटी यात्राओं का भाव है, भाई बहन मित्रों का भाव है। पराक्रम के अधिपति देव गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। नौकरी में यदि आप कोई परिवर्तन करते हैं तो वो परिवर्तन आपके लिए लाभप्रद होगा। भाई बहनों का इस महीने आपको सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार की चिंताएं इस महीने आपकी दूर होंगी, और यदि कोई भी कामकाजी यात्रा आपकी होती है तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। बंधुओं, बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन, मकान और आपकी माता का भाव है। चतुर्थ भाव के अधिपति शनिदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो पुराने जमीन के जो मामले आपके अटके हुए थे इस महीने वो सारे मामले आपके सुलझ जाएंगे। प्रॉपर्टी के काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। कमीशन संबंधी काम में आपको थोड़ा संभल करके रहना होगा। कमीशन का जो काम करते हैं उनको इस महीने कोई धोखा मिल सकता है, तो वो सवल करके चले। बंधुओं, बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में शनि, शुक्र और मंगल त्रिग्रही योग बन रहा है, तो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। धीरे धीरे कार्यों में सफलताएं मिलेंगी। स्टॉक मार्केट में यदि आप निवेश करते हैं तो सोच समझ करके निवेश करें।
शेयर बाजार में आपको लंबे समय के निवेश से लाभ हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग को इस महीने सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधु बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव रोग ऋण और शत्रुओं का भाव है। छठे भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, वहीं सूर्य और राहु का ग्रहण योग और राहु और बुध का जड़त्व योग बन रहा है। ये रोग ऋण और शत्रुओं का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा की जाए तो इस महीने शत्रु पक्ष से आपको चिंतित रहने की जरूरत नहीं है। शत्रु पक्ष आपको परेशान नहीं करेगा। त्वचा संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं। गले और हड्डी से संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं। मौसम बदल रहा है, थायराइड या टॉन्सिल की परेशानी आपको इस महीने देखने को मिल सकती है। बंधु, जैसा हम शुरू से बता करके चल रहे हैं कि इस महीने आपका धन आगमन अच्छा रहेगा, इसलिए आपके ऊपर यदि कोई ऋण है, कर्ज है, लोन है, उसे चुकाने का प्रयास करें, ना कि इतने खर्चे बढ़ा लें कि जिससे कर्ज लेने की स्थिति बन जाए। तो आप अपने धन का समन्वय बहुत अच्छे से करके चले। बंधु, बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। जीवन साथी के साथ इस महीने आप छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद की स्थिति से बचें। व्यापार की स्थिति देखी जाए तो इस महीने तुला राशि और लग्न वाले जो व्यापारी हैं, उनके व्यापार में उन्नति मिलेगी, व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनको विवाह का प्रस्ताव इस महीने मिल सकता है। यदि कोई नई साझेदारी कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके ही आगे बढ़े। बंधु, बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव के अधिपति शुक्र पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस महीने आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। विदेश से धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। रिसर्च संबंधी मामलों में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे समस्याओं का निराकरण भी हो जाएगा। बंधु, बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है। नवम भाव के अधिपति बुधदेव छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यदि नवम भाव के फलों की चर्चा की जाए तो इस महीने परिश्रम और भाग का आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं और जो छात्र उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं इस महीने उनको भी सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं, बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव आजीविका का भाव है, कर्म भाव है और पिता का भाव है। आपके दशम भाव का दृष्टि संबंध राहु से है, यानी कि राहु की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है, इसलिए कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना करें। ये महीना बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन कोई भी निर्णय लेते हैं, नौकरी या व्यापार किसी से भी संबंधित, तो उसमें थोड़ा सा सोच समझ करके आगे बढ़े। नौकरी में परिश्रम से आपकी सफलताएं प्राप्त होंगी, आपके कार्यों की सराहना होगी। व्यापार में पैसे का लेन देन सोच समझ करके करें। पैसे का कोई बड़ा लेन देन कर रहे हैं तो रसीद अवश्य ले लें। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए इस महीने आपको पिता के साथ विवाद की स्थिति से बचकर रहना होगा। बंधुओं, बात करते हैं एकादश भाव की, लाभ भाव की। एकादश के अधिपति सूर्यदेव आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इस महीने आपका धन आगमन बहुत अच्छा है। आपका व्यापार, नौकरी, हर जगह आपको सफलता मिलेगी, इसलिए धीरे धीरे आपकी धन में वृद्धि होगी। सामान्य रूप से आपका धन आगमन पिछले महीने की तुलना में अधिक होगा, तो धैर्य बनाकर के चलें, तो आपको इस महीने लाभ की अच्छी स्थितियां दिखाई देंगी। बंधु, बात करते हैं द्वादश भाव की। यहाँ केतु पूरे महीने विराजमान रहेंगे। केतु धार्मिक कार्यों में मन भी लगाते हैं। ये भाव खर्चों का भाव है, विदेश संबंधी मामलों का भाव है, कोर्ट कचहरी के मामलों का भाव है, इसलिए इस महीने आपका धन आगमन अच्छा है, लेकिन खर्चे भी आ सकते हैं आकस्मिक सामने, तो खर्चों से, व्यर्थ के खर्चों से आप इस महीने बचकर के चले। विदेश संबंधी मामलों में आपको सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मामले में आप सावधानी पूर्वक रहें तो ये महीना आपके लिए उत्तम फलदायी होगा। तो बंधुओं, हमने प्रत्येक भाव के अनुसार तुला राशि और लग्न वालों के राशि फल की चर्चा की। इस महीने की शुभ तारीखों की बात करें तो इस महीने 3, 5, 10, 12, 13, 18, 20, 23, 28 और 30 तारीख आपके लिए शुभ रहेंगी। इनमें आप कोई अपने विशेष कार्य कर सकते हैं। वहीं अशुभ दिन की बात की जाए तो
तो इस महीने की 7, 8, 15, 16, 24, 25 और 26 तारीख आपके लिए अशुभ रहेंगी। इन तारीखों में आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। नौकरी और व्यापार में वाद विवाद की स्थिति से बचना होगा। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। बंधुओं, यदि उपाय की बात की जाए तो आप माँ दुर्गा की उपासना करें, महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करें, किसी गरीब को सफेद कपड़े का दान दें तो तुला राशि और लग्न वालों का ये महीना बेहद उत्तम हो जाएगा। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आपको महाशिवरात्रि पर्व और होली की मंगलमय शुभकामनाएं। राधे राधे।